बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीआर स्टेट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो FIA इंस्पेक्टर फेडरल प्रोफेशनल कमीशन पेपर 2016 लेसन नंबर 9 जनरल नॉलेज पार्ट है। दोस्तों, इससे पहले 8 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। जिन दोस्तों ने वो वीडियोज नहीं देखे तो उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं दोस्तों, उसको विजिट करके वॉच करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें और वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन 61 से है दोस्तों, 60 तक क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं एंड टुडे फ्रॉम 61 अप टू 80 तक क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं दोस्तों। आज के क्वेश्चन निस्बतन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीटेड है और इंतहाई इजी क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार आ रहे हैं इसलिए इजी नजर आ रहे हैं, इजी मालूम होते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 61 हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कानून साज असेंबली। कानून साज यानी आईन बनाने के लिए जो कानून बनाते हैं, तो उसमें ये तो आसानी है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को, क्वेश्चन नंबर 62 हमारे पास है, देखें दोस्तों दिस वन, आफ्टर हाउ मेनी ईयर डिड पाकिस्तान गेट हर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान ने पहला आईन कितने साल बाद हासिल किया था। 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ था और पहला आईन जो था वो 1956 में बना था, तो 47 से 56 तक टोटल 9 ईयर्स बनते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63, दिस इज क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन कहते हैं कि व्हाट डॉक्यूमेंट वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव पेस, पेस कहते हैं चाल को, चाल यानी कानूनसाजी के लिए जो तरीकाकार था उसको तेज करने के लिए, टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस, उस प्रोसेस को तेज करने के लिए कहते हैं कि कौन सी डॉक्यूमेंट पेश की गई। तो दैट डॉक्यूमेंट वाज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पास द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पेश की गई थी कहते असेंबली ने उसको कब पास किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने 12 मार्च 1949 को पास किया था और पेश जो हुआ था असेंबली में वो 7 मार्च को आई थिंक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 65 देखें, क्वेश्चन नंबर 65, व्हेन मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड बोगरा फार्मूला इन द असेंबली, जब मोहम्मद अली बोगरा प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उसी कानून साजी के लिए उसने एक फार्मूला पेश किया था एंड डेट वाज इन अक्टूबर 1953। ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66 को देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66, दिस वन, What is the other name of मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला। मोहम्मद अली बोगरा ने जो फार्मूला पेश किया तो एक नाम तो उसको तो बोगरा फार्मूला के नाम से मशहूर है, क्योंकि ये फार्मूला कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पेश किया गया था, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला। तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67, When first constitution of Pakistan was enforced, तो ये 23 मार्च 1956 की बात है, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 68 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग एनफोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? तो चौधरी मोहम्मद अली, ऑप्शन डी, सी सॉरी, चौधरी मोहम्मद अली। क्वेश्चन नंबर 69 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? 1956 के आईन में पाकिस्तान को कौन सा नाम दिया गया था? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिसको इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं। तो ऑप्शन डी, द करेक्ट ऑप्शन इज डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट एज वाज प्रिस्क्राइब फॉर प्रेसिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? 1940 के आईन में सदर के लिए जो एज की लिमिट ली गई, मिनिमम कम से कम 40, ज्यादा से ज्यादा कोई बात नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। आपने ये भी देखना है कि अब 1973 के आईन में उम्र की हद क्या है। आगे क्वेश्चन नंबर 71 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 71, What was the name of Imam Bukhari rahimullah? Imam Bukhari का असल नाम, real name क्या था? Muhammad bin Ismail, option A. The correct option is A. Okay, question number 72 को देखें। question number 72, question number 72 हमारे पास है। देखें, Prophet Muhammad peace be upon him had sons. नबी अलैहिस्सलाम के कितने बच्चे थे? 3। करेक्ट ऑप्शन इज सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 को देखें। क्वेश्चन नंबर 73 इज दिस, व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम एंड प्रॉफिट हारून अलैहिस्सलाम? मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम दोनों भाई थे दोस्तों। ये तो मेरा ख्याल में इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 हमारे पास है। दिस वन, इन द सेक्रिलीजियस वार्स व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज 20 इयर्स ऑफ एज, कुरैश एंड देयर एलाइज वर लेड बाय? इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी, हार्ब बिन उमैया। करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 78 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78, What prophet the Zabur was revealed by Allah? Zabur किस पैगंबर पर नाजिल हुआ था? तो दोस्तों आपको तरतीब याद होनी चाहिए। तो देखिए, जबूर जो था दाऊद अलैहिस्सलाम पर, तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर और कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जबूर जो था ये दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 76 देखें, टू व्हाट प्रॉफिट इंजील, इंजील किस पैगंबर पर नाजिल हुई थी? देखें, अभी मैं आपको बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी है। दोस्तों आप इसकी तरतीब याद रखें कि पहले कौन सी किताब किस पैगंबर पर नाजिल हुई थी, तरतीब आप खुद देख लें। क्वेश्चन नंबर 77 देखें। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 हमारे पास है, व्हाट कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अवार्डेड विद द टाइटल ऑफ द स्वर्ड ऑफ अल्लाह? स्वर्ड ऑफ अल्लाह सैफुल्लाह, जिसको भी कहते हैं, खालिद बिन वलीद। ऑप्शन डी, करेक्ट ऑप्शन इज डी। आगे फिर क्वेश्चन नंबर 78 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अवार्डेड विद द टाइटल ऑफ द लाइन ऑफ अल्लाह? हजरत अली मुर्तजा रहमतुल्लाह, ऑप्शन डी, करेक्ट ऑप्शन है डी। ये क्वेश्चन तो दोनों इजी क्वेश्चन थे लेकिन ये रिपीटेड है। 79 देखे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम बिलोंग टू व्हाट फैमिली? इजी क्वेश्चन, हाशमी, ऑप्शन ए। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द कलर ऑफ द फर्स्ट इस्लामिक फ्लैग वॉज व्हाइट? रिपीटेड क्वेश्चन, ऑप्शन ए। दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।